सभी तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षक छात्र के लिए जो टेफ 2022-2023 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन साला स्टाफ एंड ऊपर शुरू हो चुका है, तो किस प्रकार से हम लोग टेफ 2022-23 जो जनवरी 2022 से जून 2022 तक का टेफ आप लोगों को बनना है, किस प्रकार से हम लोग बनेंगे आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टाफ इंडो और सादा दर्पण से संबंधित जो भी ऑनलाइन अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो देखिए यहाँ पर टेप भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी जो सारा दर्पण जो आईडी है वहां से आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आप लोग जो पिछली बार हम लोग क्या करते थे जो टेप भरने के लिए, देखिए फॉर्म वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फॉर्म पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेप वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस बार यहाँ पर टेप वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि इस बार टेप यहाँ से नहीं भरा जाएगा। तो टेप भरने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन को चूज करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर चूज करेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर देखिए टेप 2022 पार्ट फर्स्ट, इस वाले ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऊपर कुछ बेसिक डिटेल दी गई होगी, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जनवरी 2022 से जून 2022 और जुलाई 2022 से दिसंबर 2022। तो हम लोगों को यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो इसी पर सिलेक्टेड रहना है। यहाँ नीचे देखिए भाग फर्स्ट सेकंड और थर्ड दे रखे हैं, तीनों भागों को हम लोग बारी बारी किस प्रकार से बढ़ते हैं इस वाले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट का, तो यदि आप लोगों के यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रही है, कक्षा शो नहीं हो रही है, तो आप लोगों को अपनी जो स्कूल की जो सारा दर्पण आईडी वहां से क्लास टीचर मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आप लोगों को यहाँ से करवानी है। उसके बाद में सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो भौतिक उपस्थिति है वो आपके जो रजिस्टर है अटेंडेंस रजिस्टर, उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर विगत 6 महीनों के यानी कि जनवरी 2022 से जून 2022 तक की जो उपस्थिति है उसका जो औसत है, औसत क्या है, तो इस पर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए 60% से कम, 60 से 80% तक और 80% से अधिक, तो जो भी आपके ऊपर जो ऑप्शन लागू हो वहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यदि आप लोग किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर यस और नो में जवाब देना है। यदि रहे हैं तो हाँ करना है और वरना आपको ना कर देना है। तो जैसे मान लीजिए यदि हम लोग यहाँ पर हाँ करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, एक शैक्षणिक का और एक गैर शैक्षणिक का। तो यहाँ पर शैक्षणिक की उपस्थिति आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है और यदि आप लोग गैर शैक्षणिक विभाग में गए तो गैर शैक्षणिक विभाग की उपस्थिति यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। फिलहाल मेरी ये स्थिति में यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मैं इसको ना कर देता हूँ। अगले बिंदु में आप लोगों को अपने खुद की रेटिंग देनी है। देखिए यहाँ पर आपको खुद की रेटिंग देनी है, 1 से लेकर 5 नंबर तक आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है। 1 का मतलब औसत से कम, 2 का मतलब औसत, 3 का मतलब अच्छा, 4 का मतलब बहुत अच्छा और 5 का मतलब उत्कृष्ट। तो आप लोग अपनी खुद की रेटिंग आप लोगों को यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक की जो संख्या उसके बीच में आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो सबसे पहले जो रेटिंग देगा मूल्य एवं नैतिकता, नैतिकता के बारे में आप लोगों को अपनी रेटिंग देनी है। जैसे छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान आप लोग कितना करते हैं, तो आप लोग अपनी खुद की रेटिंग के हिसाब से 4 नंबर 3 4 5 नंबर जो भी आप लोग यहाँ पर देना चाह सकते हैं दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी 5 नंबर दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 5 नंबर, आप लोगों को अपने जो भी अपने ऊपर जो लागू होती है उसके हिसाब से आप लोग अपने जो जो रेटिंग है वो रेटिंग आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। व्यावसायिक और अभ्यास योग्यता में देखिए विद्यार्थी की जरूरतों को शामिल करते हुए आप लोग पाठ योजना बनाते हैं तो उसके हिसाब से आप लोगों को रेटिंग देनी है। कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्रों को अध्ययन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो ये रेटिंग के अलग अलग ऑप्शन है, आप लोग उसको पढ़ते जाना और अपनी यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो रेटिंग देने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को सारी जब रेटिंग हो जाएगी तो इस प्रकार से ये जो ऑटोमेटिक जो टोटल है टोटल यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक टोटल यहाँ पर आ जाएगी। देखिए इसके आगे वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं खुलेगा, ये जो ऑप्शन है वो पीओ सर अपनी अपने जो रेटिंग दी है उसके हिसाब से वो भी अपनी जो रेटिंग रेटिंग यहाँ पर देंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बंद रहेगा। उसके बाद 1.4 वाला बिंदु पर हमको यहाँ पर टिक नहीं करना है क्योंकि ये हमारे नियंत्रण अधिकारी यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में देखिए नीचे 1.5 में संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, यानी कि अपने स्कूल का आपके स्कूल का जो संस्था प्रधान है उसका जो समग्र कार्य का जो समग्र मूल्यांकन के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग देनी है। औसत से कम है, औसत है, अच्छा है, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट है, जो भी यहाँ पर रेटिंग है आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों के नियंत्रण अधिकारी का नाम, आपके जो नियंत्रण अधिकारी रहेंगे जो जो तृतीय श्रेणी जो अध्यापक है उनके लिए यहाँ पर पीओ सर या नियंत्रण अधिकारी रहेंगे, तो यहाँ पर पीओ सर का नाम लिखना है और उनके मोबाइल नंबर लिखना है। और ये लिखने के बाद में आपको जो सेव का बटन दिखाई दे रहा है, इस सेव के बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। सेव करने पर इस तरह के डाटा सक्सेसफुली का मैसेज अपने सामने शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आपको भाग 2 वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, यहाँ पर आपको भाग 2 वाला ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है तो इस जो टेप का जो दूसरा भाग है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर इस तरह का पेज आपके सामने अपना ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1.6 वाला जो बिंदु है इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए, इसमें हम लोग कई बार यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए जब हम लोग यहाँ पर शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उस समय हमारे सामने कोई ना कोई चुनौती आती है, तो इन चुनौतियों में से आप लोगों को जो बेहद 3 कठिन चुनौतियां उसको आप लोगों को चुनना है। अब देखिए रेटिंग आप लोगों को यहाँ पर 1 से लगाकर 3 तक देनी है, जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको हमको 1 नंबर देना है, जो सबसे उससे
कम जो चुनौती है उसको 2 नंबर और जो सबसे छोटी चुनौती है उसको हम लोगों को यहाँ पर 3 नंबर देना है। यहाँ पर ध्यान रखना जो सभी वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को सभी ऑप्शन में रेटिंग नहीं देनी है, एक एक दो दो तीन तीन ऐसे नहीं देनी है। ये जो रेटिंग दे रखी है इसमें से आप लोगों को सिर्फ किसी 3 चुनौतियों को में ही 1 2 3 लिखना है, बाकी बाकी समय 0 0 आएगा। तो आपके हिसाब से कौन सी आपके लिए चुनौती है, कैरियर प्रबंधन की चुनौती है, पेशेवर विकास की रणनीति का विकास है, या बच्चों की अनियमितता है, या बच्चों का स्तर का कमजोर होना, विद्यालय में कार्य अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, रिक्त पदों की के कारण आप लोग शिक्षण कार्य में थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य है, तो आप लोगों को यहाँ पर 3 रेटिंग देनी है, 1 2 3 तीन ही ऑप्शन में आप लोग को लिखना है, बाकी समय यहाँ पर 0 0 आएगा। 1.7 बिंदु में भी आप लोगों को 1 से लेकर 3 तक की रेटिंग देनी है। देखिए हम लोगों को शिक्षकों के सामने यदि आप लोग किसी ट्रेनिंग की यदि आप लोगों को आवश्यकता महसूस होती है तो ट्रेनिंग के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग देनी है। तो 1 नंबर रेटिंग का मतलब हो गया सबसे अधिक हम लोग इस ट्रेनिंग को चाहते हैं, जो सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण यानी सर्वाधिक आवश्यकता वाले ट्रेनिंग को आप लोगों को 1 नंबर देना है, उससे कम आवश्यकता वाली ट्रेनिंग को 2 नंबर और उससे कम आवश्यकता वाली ट्रेनिंग को यहाँ पर आप लोगों को 3 नंबर देना है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से जैसे गणित विज्ञान में ट्रेनिंग चाहते हैं, अंग्रेजी विषय में चाहते हैं, या कैरियर मार्गदर्शक के अंदर विद्यालय प्रबंधन में, बुनियादी सशक्तता में, शैक्षणिक कौशल में, योगा में, अन्य में, जिसमें भी आप लोग ट्रेनिंग की आवश्यकता है आप लोगों को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देना है। 1 नंबर सबसे ज्यादा आवश्यकता वाली ट्रेनिंग, 2 नंबर उससे कम और 3 नंबर सबसे कम आवश्यकता वाली ट्रेनिंग में आप लोगों को रेटिंग देनी है। तो आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग दे देनी है। रेटिंग देने के बाद में देखिए नीचे एक रिसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यदि आप लोग इसको वापस फिर से पुनः भरना चाहते हैं तो रिसेट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये जो अभी आप लोगों ने रेटिंग दी वो रेटिंग यहाँ पर हट जाएगी और फिर से आप लोग नए तरीके से रेटिंग दे सकते हैं। अगला जो बिंदु है अब ये भी अपनी खुद के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा दे रहे उस ऑप्शन में आपको टिक करना है कि आप लोगों ने स्कूल में या फिर विद्यालय विकास में किन किन बातों में आप लोगों ने योगदान दिया है या कोई पुरस्कार प्राप्ति की है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे यदि आप लोगों ने विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है तो इस पर टिक करनी है, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन में किया तो इस पर टिक करनी है, क्रियात्मक अनुसंधान पुरस्कार लेखन कार्य COVID-19 में यदि आपने किया तो COVID-19 क्लिक करना है, रंगोत्सव कार्य में यदि मतलब जो प्रोग्राम होता है टीचर्स के लिए उसमें यदि आप लोगों ने भाग लिया तो उसमें टिक करनी है, और कोई अन्य योगदान दिया तो आप लोग अन्य योगदान पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर से ये अपडेट हो जाएगा, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, उसको आप लोग को यहाँ पर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में आपको फिर से ऊपर की तरफ चलना है और हम लोगों को भाग 3 भरना है तो आप लोग इस भाग 3 वाले ऑप्शन को सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाद आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर भाग 3 में ट्रेनिंग वाला ऑप्शन को जो ट्रेनिंग की है आप लोगों ने जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक की वो ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर दर्शानी है। देखिए ये पहले की जो ट्रेनिंग भरी हुई है यहाँ पर शो हो रही है। नई ट्रेनिंग पे यदि हम लोग देखिए सेलेक्ट वर्क पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने FLN की जो ट्रेनिंग चली थी ऑनलाइन वो उस FLN वाली ट्रेनिंग को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चाहे SMC प्रशिक्षण संबंधित आप लोगों ने ट्रेनिंग की तो वो लिख सकते हैं, क्लस्टर से संबंधित जो भी आपसे संबंधित है ट्रेनिंग वो यहाँ पर ट्रेनिंग आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर FLN का किया तो FLN सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो दिनांक है दिनांक यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि जो FLN की ट्रेनिंग है वो कब से शुरू हुई थी वो दिनांक है जो यहाँ पर दिनांक सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर अब प्रशिक्षण की अवधि कितनी थी, देखिए जो FLN वाली जो ट्रेनिंग थी वो काफी लंबी चली थी, 5-6 महीने के आसपास चली थी, जो दिनों की संख्या आप अपने हिसाब से गिनकर यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो प्रशिक्षण में आपकी क्या भूमिका रही थी, भूमिका के लिए आप यहाँ पर कुछ अंक दिए गए 1 2 3 जैसे 1 शिक्षक 2 प्रधानाध्यापक 3 सामग्री निर्माणकर्ता, तो इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर जो जो नंबर है वो नंबर आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप लोग शिक्षक के रूप में भूमिका दी तो आप लोग यहाँ पर शिक्षक के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट 1 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रेनिंग का जो मुख्य बिंदु था मुख्य बिंदु लिखना है, जैसे FLN प्रशिक्षण है या फिर होना राजस्थान है जो भी है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इस जगह पर लिख लेंगे। उसके बाद में प्रशिक्षण की कार्यशालाओं का आयोजन किसने किया तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी 1 2 3 है, 1 का मतलब डाइट, 2 का मतलब समग्र शिक्षा, 3 का मतलब RCTI ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गैर शैक्षणिक कार्य 4 नंबर के लिए है तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल यहाँ पर 3 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रेडिंग है ग्रेडिंग आप यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी डिटेल भरने के बाद में आप लोगों को या जैसे सेव का बटन दिखा दे रहा है इस सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे तो नीचे और एक ऑप्शन और खुल जाएगा, एक टैब नई टैब खुल जाएगी और इसके अलावा भी यदि आपके पास वो ट्रेनिंग है तो यहां से आप लोग उसको भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण यदि यानी जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच में यदि आपने कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया तो हाँ करना, वरना आप लोगों को यहाँ पर नहीं कर देना है। अब देखिए नीचे यहाँ पर आप लोगों को पाठ्य पुस्तक ट्रेनिंग और जो विभागीय प्रशासन की जो कार्यशैली से संबंधित जो टिप्पणी है जो रेटिंग है रेटिंग आप लोगों को यहाँ पर 1 से लगाकर 5 तक के बीच में देनी है। 1 का मतलब औसत से कम है और 5 का मतलब उत्कृष्ट है, 4 का मतलब बहुत अच्छा, 3 का मतलब अच्छा और 2 का मतलब औसत। तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर रेटिंग दे दीजिए। ये सारी रेटिंग देने के बाद में आप लोगों को नीचे सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस सबमिट के बटन पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है।
क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है यहाँ पर, ये सेव हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर लो का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, लो का ऑप्शन कुछ समय बाद में शुरू होगा। तो जब भी लो का ऑप्शन शुरू होगा तो आप लोगों ने फॉर्म तो अभी भर ही दिया है, सीधे आप लोगों को भाग 3 पे आना है और यहाँ पर लो का ऑप्शन दिखाई देगा। इस लो के ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक करना है, मोबाइल पर नंबर ओटीपी आएंगे, ओटीपी डालकर आप लोग उसको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग जो टेफ 2022-23 से इस प्रकार से आप लोग उसको भर सकते हैं। यदि इससे संबंधित और भी कोई समस्या है तो आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सलाह दर्पण, स्टाफ इंडो, पे मैनेजर, एसओसो आईडी से संबंधित जो भी अपडेट है, ऑनलाइन अपडेट है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।